हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। हम लोग आज इस वीडियो में बिहार स्पेशल के सीरीज़ को आगे करेंगे, जिसमें ये हमारा वीडियो बिहार समसामयिक की यानी बिहार करेंट अफेयर का है, जो इम्तियाज़ अहमद के बुक से लिया गया है। ये दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड। ये 67th बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 8 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। 10 दिन भी नहीं बचे हैं, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग 68 बीपीएससी के अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो इंडिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पे आप एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो। इतनी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है, तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, जहाँ पे आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं और पीटी कम मेंस और मेंस कम पीटी दोनों की तैयारी कर सकते हैं एक साथ। तो आप लोग आज ही जाइए, अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। पर जो पेमेंट दिया है उसको पे नहीं करना है, आप लोग को एक कोड यूज़ करना है कन्हैयाटिन। तो आप लोग को जो पेमेंट करना होगा वो कम हो जाएगा। तो आज ही जाइए, अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वीडियो है ये बिहार करंट अफेयर का है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला म्यूज़ियम बिनाले का आयोजन कहाँ हुआ है। देश का पहला म्यूज़ियम बिनाले का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये बिहार में ही हुआ है, अपने बिहार में। बिहार म्यूज़ियम बिनाले का आयोजन पटना में किया गया है, और बिहार दिवस पर 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया गया। कितना दिवसीय है ये? 7 दिवसीय है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया इसका आयोजन 22 मार्च 2021 को। ठीक है, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। और ये याद रखना है ना कि जैसे बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाएगा, इसका निर्णय कब लिया गया था? 2009 में निर्णय लिया गया था राजगीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो कपिल देव ने किया था। यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 20 मार्च से 26 मार्च तक हुआ था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कपिल देव। उद्घाटन किया था कपिल देव ने। देश का वह राज्य जिसने अलग इथेनॉल नीति लाया, मतलब बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है ना जिसने अपना अलग इथेनॉल नीति लाया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी थी। याद रखना है कि मार्च 2021, क्योंकि बीपीएससी हमेशा डेट पे फोकस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2021। अब आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड स्थित आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? 32वां। तो स्विट्जरलैंड के द्वारा ना जारी किया जाता है आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान 32वां है। और यह रिपोर्ट मार्च 2021 को जारी किया गया था। राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का 28वां स्थान है और हाजीपुर का 68वां स्थान है। तो बिहार की राजधानी पटना का 32वां, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार की राजधानी जो पटना है उसका स्थान 32वां है, मुजफ्फरपुर का 28वां और हाजीपुर का 68वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेट पूछता है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2021। तो नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने जी द्वारा किया गया 26 मार्च 2021 को। यह देश का दूसरा ग्लास का पुल है। इस दिन मुख्यमंत्री हाईटेक और नए रोपवे का भी उद्घाटन किया था इस दिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार के किस उत्पादन को हाल ही में GI Tag प्राप्त हुआ है और उसका निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सहित अन्य देशों में किया जाएगा? तो आंसर है मगही पान का। बिहार सरकार ने नालंदा पान अनुसंधान में पहली बार पान के पत्तों से तेल निकालने की मशीन लगाई है। तो ये बिहार सरकार ने क्या किया ना कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुसंधान, ये पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नालंदा पान अनुसंधान केंद्र में पहली बार पान के पत्तों से तेल निकालने की भी मशीन बनाई है। और यहाँ पे जो बिहार का जो पान है ना, मगही पान, उसका निर्यात किया जाएगा किन देशों में? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में। ये सब देश जो है ना UNO के स्थायी मेंबर भी हैं, तो उसे रिलेट कर सकते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, यहाँ पे निर्यात किया जाएगा। और ये जो मगही पान इसे GI Tag प्राप्त है, 4 जिले में उगाया जाता है, जिसमें कि औरंगाबाद है, गया है, नवादा और नालंदा। ठीक है, अब देखते हैं।
बिहार में स्थित किस परियोजना ने 19 मार्च 2021 को उच्चतम बिजली उत्पादन किया है? तो एनटीपीसी बाढ़ ने। क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित किस परियोजना ने 19 मार्च 2021 को उच्चतम बिजली मतलब रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया है? एनटीपीसी बाढ़ ने। बाढ़ परियोजना ने 19 मार्च 2021 को 100.16% पीएलएफ के साथ 31.73 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बिजली उत्पादन करने का ये जो रिकॉर्ड बनाया है ये एनटीपीसी बार्ड ने बनाया है, 100.16% है। और कितना मिलियन यूनिट है तो ये हो जाएगा 31.73 मिलियन यूनिट। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ट्राइकथन चैलेंज 2020 में बिहार का मुजफ्फरपुर किसे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऋचा राज को। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ट्राइथन चैलेंज 2020 में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं वो, उन्हें देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ऋचा राज को। ये है ट्राइथन चैलेंज में, ठीक है, ऋचा राज को बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 2025 जिसका कार्य मतलब इसका समय है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 का जो समय है 2020 से 2025 है, इसके संगठक क्या क्या हैं? तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये बात सही है, सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 का ये संगठक है। अब आगे देखते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन सम्मिलित नहीं है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव तो है ही, युवा शक्ति बिहार की प्रगति भी है, इसके अलावा स्वच्छ शहर विकसित शहर है, मतलब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव गांव वाला है, शहर वाला है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। और यहां दो बार दे दिया है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाल विकास मानव विकास नहीं है, देखने से ही लग रहा बाल विकास मानव विकास नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो अपने बिहार को सम्मानित किया गया है कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। यह सम्मान कोरोना वायरस संक्रमण में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। बिहार सहायता मोबाइल ऐप द्वारा सहायता पहुंचाई गई थी, बिहार सहायता मोबाइल ऐप द्वारा इसमें क्या किया गया था ना कि जो लोग राज्य से बाहर हैं उनको आने के लिए या यहाँ पे सुविधा कुछ उन्हें हेल्प मिल सके इसके लिए 1,000 रुपया दिया गया था। उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए बिहार के किस लड़की को इंस्पायर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जाह्नवी को किया गया है, उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए जाह्नवी। इन्होंने तो प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार किया था, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे, और इसने मिट्टी के उर्वरता और जल संरक्षण से संबंधित परियोजना तैयार की थी, इस वजह से इन्हें दिया गया था इंस्पायर्ड अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में बिहार का कौन छात्र प्रथम स्थान पर रहा था? तो इसका आंसर है कनन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में बिहार के छात्र थे प्रथम स्थान पर आए थे, उनका नाम कनन था। और ये समस्तीपुर प्रखंड के रामपुर के रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पटना के पीएमसीएच में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है, जिसमें कि 5,000 से भी ज़्यादा बेड होंगे, यानी 4,462 बेड होंगे। पटना के पीएमसीएच में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है, और इसका उद्घाटन कब किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 8 फरवरी 2021 को किया गया है। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे कब हुए? ये हुए हैं 7 फरवरी 2021 को। यहाँ पे पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को सर वॉल्टर मोड की अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखना है कि बिहार विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी ना वो 7 फरवरी 1921 को ही थी वॉल्टर मोड की अध्यक्षता में। अभी इसका 100 साल पूरा हो गया बिहार विधानसभा भवन का, कब हुआ है 7 फरवरी 2021 को 100 साल पूरा हुआ है। और पीएमसीएच में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन कब किया है? ये किया है 8 फरवरी को, 7 फरवरी 8 फरवरी रिलेट कर सकते हैं, 8 फरवरी 2021 को किया है। और इसमें कितने बेड होंगे? 5,462। अब आगे देखते हैं, थोड़ा धुंधला हो गया पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आगे सही है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आनंद किशोर को।
क्वेश्चन क्या है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? आनंद किशोर को। 29 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार की ओर से इन्हें बनाया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक आनंद किशोर। किस दिन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा रेलखंड पर हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन का ट्रायल रन किया गया? तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर देख सकते हैं 9 फरवरी 2020 में। ये कहाँ से कहाँ किया गया ये इम्पॉर्टेंट है कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा रेलखंड पर हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन का ट्रायल किया गया है। अब देखते हैं 22 मार्च 2020 को बिहार सरकार ने COVID-19 से सुरक्षा हेतु लॉकडाउन किस महामारी अधिनियम के तहत लागू किया था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब लागू किया गया था और किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था ये डेट के साथ। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे लागू किया गया था, मतलब ब्रिटिश जमाने का ये कानून है, महामारी रोग अधिनियम 1897। और ये कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 2020 को COVID-19 से सुरक्षा हेतु लॉकडाउन। यहाँ पे इसे रेट कर सकते हैं कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो 22 मार्च 2020 को ही लॉकडाउन लागू किया गया था महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत। बिहार सहकारिता विभाग का टैगलाइन क्या है? बिहार सहकारिता विभाग का एक सब के लिए सब एक के लिए, इसका टैगलाइन बहुत खूबसूरत है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, क्योंकि सहकारी विभाग में सब मिलके कार्य करता है ना, तो एक सब के लिए होना चाहिए और सब एक के लिए होना चाहिए, ठीक है? तो इसका टैगलाइन यही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? सुनैना सिंह। तो नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था 2016 में और बोधगया को 2002 में, ये भी याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? सुनैना सिंह है, आंसर ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान ये वाइस चांसलर है सुनैना सिंह और नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर है विजय पी भटकर। तो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर हो जाएंगे विजय पी भटकर और वाइस चांसलर सुनैना सिंह। बिहार में के वर्तमान एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता कौन है? यह है ललित किशोर। अगर कोई जैसे क्वेश्चन अपडेट हो गया हो, जैसे अभी बदल गया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या होगा और कौन सा गलत है, ठीक है? क्योंकि ये इम्तियाज़ अहमद का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ऐसा नहीं है कि एकदम लेटेस्ट पूछेगी, पहले का भी पूछ सकती है और ये 2021 का ही है, तो पिछले एक साल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है करेंट अफेयर का। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष जो है ना, ये दिलमणि मिश्रा, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा डी, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा। और बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये है नरेंद्र कुमार सिन्हा। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा है। और बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो ये है आमिर सुबहानी। और बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। अब आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जो राजद के हैं, ठीक है, राजद पार्टी के नेता हैं। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किससे संबंधित है, तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित एक रोड मैप है सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और इसका जो समय है वो 2015 से 30 तक है और ये तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फगु चौहान जी हैं। वैसे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पता ही है आप सभी को, नीतीश कुमार। 7वीं बार ये शपथ ग्रहण किए हैं। जब ये पहली बार सरकार बनाए थे ना, तो जनता पार्टी से बनाए थे ये भी, और श्री लालू प्रसाद यादव दोनों। जैसे एक बार बीबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि
हाल ही में चूंकि उनका निधन हुआ था तो वो चर्चा में रहे थे रामविलास पासवान की, उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र किस पार्टी से शुरू किया था, तो सोशलिस्ट पार्टी उनका उसका आंसर हुआ था। तो उस तरह से ये रखना है याद कि जो नीतीश कुमार और ये लालू प्रसाद यादव हैं दोनों का, जो इन्होंने भी अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था जनता पार्टी से। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन से पद पर रहे हैं? ये रहे हैं आपके, ये भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं, भारत के पथ एवं परिवहन मंत्री भी रहे हैं, भारत के कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। बहुत लोगों को आश्चर्य भी हो रहा होगा कि रेल मंत्री कब रहे हैं, तो ये रहे हैं भारत के रेल मंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। भारत के पथ एवं परिवहन मंत्री भी रहे हैं, पथ परिवहन मंत्री, रेल मंत्री और भारत के कृषि राज्य मंत्री रहे हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तारकिशोर प्रसाद हैं और श्रीमती रेणु देवी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि दो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। बिहार के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी। हालांकि जितने इम्पोर्टेंट जो विभाग है वो दिए गए हैं तारकिशोर प्रसाद को। बिहार की 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं। बिहार के 17वीं मतलब अभी जो विधानसभा का गठन हुआ है ना, वो 17वीं विधानसभा है, तो इसके अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं, इससे पहले विजय कुमार चौधरी थे। नाम सेम है, चौधरी थे पहले, अभी सिन्हा जी हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस संजय करोल। 11 नवंबर 2019 को बिहार के राज्यपाल श्री फगु चौहान ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया, मतलब कि राज्यपाल ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें त्रिपुरारी शरण दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर होगा आमिर सुबहानी, अभी चेंज हो गया है। तो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव जो हो जाएगा ना, आमिर सुबहानी हो जाएगा, आमिर सुबहानी। श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि बिहार के जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने 7वीं बार लिया है अब तक, तो ये 7वीं बार कब लिए थे, डेट कौन सा था? ये 16 नवंबर 2020 था, क्योंकि 2020 में ही 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रजनीश कुमार महाजन जी हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार महाजन। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ 25,000 क्षमता वाला परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? ये लिया गया है पटना में। गांधी सेतु के समीप बनने वाली परीक्षा भवन सभी आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा और 25,000 क्षमता वाला, मतलब एक साथ 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे, यहाँ पटना में बनेगा, गांधी सेतु के समीप ही बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ पर कला ग्राम की स्थापना किया जाएगा? कला ग्राम का स्थापना किया जाएगा बोधगया में, है ना, तो बोधगया बहुत इंपॉर्टेंस है कला को लेके, इसलिए कला ग्राम की स्थापना बोधगया में किया जाएगा। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये कामराज रिजवी को बनाया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया कामराज रिजवी को। इसमें क्या आना कि मेट्रो के लिए गठित जो SPV में केंद्र और राज्य 50-50% के भागीदारी होंगे, मतलब जो पटना मेट्रो बनाया गया उसमें 50% राज्य द्वारा और 50% केंद्र द्वारा दिया गया है। जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक कितना रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा है 52, मतलब ये बिहार का अंक है 52, बिहार ने अंक लाया है 52। पिछले वर्ष की तुलना में 2 अंक की वृद्धि हुई है, मतलब पिछले वर्ष इसको इसने 50 अंक प्राप्त किया था, अभी 52 अंक लाया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सबसे अंतिम पायदान पे है और नीचे से टॉप किया है बिहार ने, फर्स्ट रैंक पे केरल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो 2015 में जो SDG पे जो बैठक हुई थी ना, उसमें 17 लक्ष्य को तय किया गया था
उसी के तहत इसे नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या किस प्रकार का योगदान रहा है। तो इस बार बिहार का जो नंबर रहा है वो 52 रहा है, और पिछले बार 50 रहा था, 2 अंकों का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद भी बिहार सबसे अंतिम पायदान पर और केरल फर्स्ट रैंक पर है। बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर फरवरी 2020 में कहाँ खुला है? तो ये बक्सर में खुला है। आंसर बक्सर होगा कि बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर फरवरी 2020 में बक्सर में। कुछ लोगों को लगेगा कि इसका आंसर पटना एम्स होगा, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे दिया है बक्सर। 20 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका उद्घाटन किया है। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के अधीन खुला है ये, तो बक्सर में। ठीक है, बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर बक्सर में खुला है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति हैं। आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? जमुई में। इसका आंसर जमुई हो जाएगा। बिहार के राज्य के बाहर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तो एवं जरूरतमंद व्यक्तियों जैसे कि प्रवासी बिहारियों के लिए सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये बिहार है। आंसर बिहार हो जाएगा कि राज्य के बाहर लॉकडाउन में जो मजदूर फंस गए थे ना, जिसमें प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है, तो उनको सहायता राशि पहुंचाने के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। 6 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माउस क्लिक कर के प्रत्येक लाभुकों को 1,000 रुपया दिया था। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी जारी किया गया था, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। उसमें लॉगिन करने के बाद अपना सारा डिटेल्स देने के बाद जो लोग फंसे हुए दूसरे राज्य में उन्हें 1,000 रुपया दिया गया था। और लॉकडाउन कब लागू किया गया था? लॉकडाउन लागू किया गया था बिहार दिवस के मतलब जब बिहार दिवस मनाया जाता है उसी डेट में 22 मार्च 2020 को। और ये जो था ना एक्ट 1897 का था। अब आगे देखते हैं कि 7 मार्च 2020 को बिहार के किस ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया, मतलब उसी दिन उसी डेट में बनाया गया होगा पहले कभी उसे। तो 7 मार्च 2020 को बिहार के किस ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया? विक्रमशिला एक्सप्रेस। भागलपुर में इसका जन्मदिन मनाया गया, और यह ट्रेन भागलपुर से दिल्ली जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बना है? तो इसका आंसर है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। बिहार में कहाँ पे देश का प्रथम है, ये देश का प्रथम इम्पोर्टेंट है जो बिहार में होगा। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बना है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। विश्व में पटना चिड़ियाघर गैंडे की संख्या के मामले में दूसरा और एशिया में प्रथम है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो गैंडे की संख्या के मामले में जो पटना है ना हमारा बिहार, वो दूसरे स्थान पे है और एशिया में पहले स्थान पे है। पटना जू में 11 गैंडे मौजूद हैं। सोचिए इतना कम होने के बावजूद भी एशिया में फर्स्ट रैंक पे है और दूसरे नंबर पे वर्ल्ड लेवल पे है, मतलब गैंडों की संख्या वर्ल्ड स्तर पे बहुत कम है। बिहार कैडर के किस आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है? ये अमरजीत सिन्हा जी हैं, जो बिहार कैडर के हैं, इन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट बनने वाली बिहार की महिला कौन है? तो ये शिवांगी हैं। दिसंबर 2019 में सब लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल उन्हें हुआ है, और इन्हें कोची नेवल बेस में ड्यूटी मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली है ये। तो शिवांगी कहाँ की रहने वाली है ये इंपॉर्टेंट है। शिवांगी मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, और ये बिहार की नेवी की पहली महिला पायलट होंगी, भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट होंगी जो बिहार से बिलोंग करती है, मुजफ्फरपुर की है, और कोची जो नेवल बेस है वहाँ इन ड्यूटी लगी है इनकी। विश्व प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बिहार के किस जिला में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना है? बक्सर में, क्योंकि इनका जन्म बक्सर के डुमराव में हुआ था ना, इस वजह से इनको सम्मानित करने के लिए इनके ही डिस्ट्रिक्ट में इनके सम्मान में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिहार का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल किस जिला में बनाया जाना है? तो ये ऑब्वियस पटना में ही बनाया जाएगा। बिहार का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल किस जिला में बनाया जाना है? पटना में। दशरथ मांझी खादी शिल्प
बिहार में कहाँ बन रहा है? गया में। दशरथ मांझी खादी सिल्क बिहार में कहाँ बन रहा है? गया में बन रहा है, ठीक है, याद रखना, दशरथ मांझी खादी सिल्क। और वैसे बिहार में भारत का पहला खादी मॉल पटना में बना है। पहला खादी मॉल कहाँ बना है? पटना में। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020-21 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं के लक्ष्य में बिहार का अंक कितना रहा है? तो ये रहा है 73। ये क्या है? शांति, न्याय और मजबूत संस्था के मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो 12वां हुआ है। बिहार में कहाँ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है? तो ये IGIMS पटना में। स्टेट कैंसर, वो था एक क्वेश्चन बक्सर वाला था जिसमें कि डिटेक्शन करके था, कैंसर डिटेक्शन सेंटर बक्सर में स्थापित किया जाएगा। और ये यहाँ पे है कि बिहार में कहाँ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है, ये IGIMS पटना में खोला जाएगा। बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को कौन सा सर्वश्रेष्ठ डेयरी अवार्ड मिला है? तो बिहार स्टेट के मिल्क फेडरेशन को ना सर्वश्रेष्ठ डेयरी अवार्ड मिला है, इसमें से कौन सा वो मिला है? तो इंडिया डेयरी अवार्ड मिला है, बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को इंडिया डेयरी अवार्ड मिला है। अब है कि 21 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने किस निगरानी चौकी का उद्घाटन किया है? ये किया जोगबनी जो अररिया में है और विराटनगर जो नेपाल में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इन दोनों के द्वारा निगरानी चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये जो बिहार का अररिया जिला है वहाँ से जोगबनी से विराटनगर के बीच होगा ये चौकी, निगरानी चौकी, जोगबनी अररिया से विराटनगर। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में किस शब्द को 200 वर्ष पुराने इंग्लैंड की कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है? तो ये है पाग। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के किस शब्द को, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का ये जो पाग शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 वर्ष पुराने इंग्लैंड की कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है, तो ये गौरव की बात है हमारे लिए। हाल ही में पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई बढ़ाकर कर दी गई है कितनी? तो ये 3200 mm कर दी गई है, पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई बढ़ा दी गई है और ये 3200 mm कर दी गई है। COVID-19 के दौरान बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ये क्या था? कोरोना सहायता ऐप। इसी के तहत जो है ना 1000 रुपये दिए गए थे सबको जो बिहार से बाहर थे, ठीक है। तो COVID-19 के दौरान बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कोरोना सहायता ऐप। बिहार में प्रवासी पक्षियों पर अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए देश का चौथा और उत्तर बिहार का पहला वाटर रिंगिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये भागलपुर में किया गया वाटर रिंगिंग स्टेशन। बिहार के प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान करने के लिए देश का चौथा, मतलब तीन पहले से बन चुका है और देश का चौथा बन रहा है जो उत्तर बिहार का पहला हो, उत्तर बिहार का पहला होगा और ये देश का चौथा होगा। वाटर रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? विद्यानंद विकल। तो बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष है विद्यानंद विकल, फरवरी 2020 में इनकी नियुक्ति की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना आर्थिक पैकेज की घोषणा में बिहार के किस उत्पाद की क्लस्टर बनाने की बात कही थी? तो मखाना। मखाना के उत्पादन में वैसे बता दूं मैं आपको तो बिहार फर्स्ट रैंक पे है और सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन मधुबनी में किया जाता है। अगर कुछ और कृषि उत्पादों की बात करें तो लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर है, लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर, दाल के उत्पादन में पटना, इसके अलावा गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में रोहतास, पूर्वी चंपारण जो है वो नींबू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, मखाना के उत्पादन में हो जाएगा मधुबनी, आम के उत्पादन में हो जाएगा दरभंगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक और है कि मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है। जहाँ कहीं भी बिहार का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा आए तो उसमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लीची के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ना वो फर्स्ट है,
ठीक है, लीची का उत्पादन बिहार का स्थान फर्स्ट है और देश में जितनी भी लीची का उत्पादन होता है उसका ये 40% प्रोडक्शन अकेले करता है। तो मखाना में फर्स्ट रैंक पे, लीची में फर्स्ट रैंक पे, इसके अलावा मशरूम में बिहार का स्थान कौन सा था? तीसरा था। और फर्स्ट रैंक पे कौन था? फर्स्ट रैंक पे उड़ीसा और सेकंड रैंक पे महाराष्ट्र। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीबीसी के लिए। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को जनवरी 2021 में चेन्नई में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मान किया गया? महावीर सम्मान से सम्मान किया गया है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, इनको कौन नहीं जानता होगा, ये पटना के हैं। इन्हें चेन्नई में सबसे, चेन्नई का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महावीर सम्मान दिया गया, याद रखना है, महावीर सम्मान दिया गया इन्हें। अब देखते हैं, साइकिल गर्ल ज्योति को जनवरी 2021 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नशा मुक्ति अभियान का, ठीक है। तो नशा मुक्ति अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ज्योति कुमारी को, ये साइकिल गर्ल के नाम से जानी जाती है। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी में शामिल होकर बिहार की बेटी ने इतिहास रच दिया, इनका नाम क्या है? भावना कंद। इन्होंने राफेल भी उड़ाया है, ठीक है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है ये। तो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी में शामिल होकर बिहार की बेटी ने इतिहास रच दिया है भावना कंद, ठीक है। शिवांगी जो थी वो नेवल बेस में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट थी, मतलब पहली महिला थी जो नेवल में पायलट बनी थी, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की थी। और भावना कंद जो है वो एयरफोर्स की है, वो नेवल की थी। देखते हैं कि बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। एक चीज़ याद रखना है ना कि अभी जो 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उसमें हिंदी के लिए जिनको दिया गया वो भी बिहार के थे, मैथिली के लिए जिनको दिया गया वो भी बिहार के थे, उर्दू के लिए जिन्हें दिया गया वो भी बिहार के थे, ठीक है। तो इसका आंसर अनामिका। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया था। अनामिका मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के ये जो साहित्यकार है ना, वर्ष 2020 के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली है। इनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है और हिंदी में कविता संग्रह के लिए पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला है। मतलब इससे पहले किसी को भी कविता संग्रह के लिए किसी महिला को नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनामिका है, याद रखना है। और आप लोग बताइएगा कि मैथिली में और उर्दू में किन्हें दिया गया है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना बन रही है? तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, अब चूँकि बिहार में तो समुद्र है नहीं ना, तो कैसे बंदरगाह बन सकता है, तो उड़ीसा मदद करेगा इसके लिए। और उड़ीसा में बंदरगाह बनाया जाएगा किस लिए? बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना है? उड़ीसा में, क्योंकि बगल में है ना, इस वजह से। बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली भाषा में प्रकाशित कहानी गाछ रसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा नहीं, अब तो दे भी दिया गया, कमलकांत झा को। मैं इन्हीं के बारे में बोल रही थी कि ये बिहार के रहने वाले हैं। कमलकांत झा मधुबनी के जयनगर गांव, इनका हरिपुर है, रहने वाले हैं। तो अनामिका जी को जो दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, जो कविता संग्रह था टोकरी में दिगंत थेरी का था। मैथिली के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है वो भी बिहार के रहने वाले हैं, कमलकांत झा को। और इनका जो कहानी संग्रह है उसका क्या नाम है? उसका नाम है गाछ रसल अच्छी, मतलब ये मैथिली भाषा में है तो थोड़ा अलग लग रहा होगा, गाछ रसल अच्छी इनको दिया गया है। और इनका जो जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट, वो मधुबनी का जयनगर है। मैथिली में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया सोनू कुमार झा को, मैथिली में ही दिया गया है। तो मैथिली में अगर नॉर्मल पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है कमलकांत झा को, वो मधुबनी के रहने वाले हैं, क्योंकि मधुबनी ही मिथिला का केंद्र है, तो मिथिला भाषा, मैथिली भाषा का केंद्र है, तो मधुबनी के हैं, इसे रिलेट कर सकते हैं। और कमलकांत झा मिथिला के लिए दिया गया, ये मधुबनी के रहने वाले, मतलब मैथिली भाषा के लिए दिया गया, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। और वो जो अनामिका थी वो मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली थी। और मैथिली में युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है सोनू कुमार झा को, हाँ, डॉक्टर सोनू कुमार झा को, उनकी कविता संग्रह गश्या के लिए पुरस्कार दिया गया।
गस्सा, ठीक है। बिहार में किन्हें उर्दू उपन्यास अमावस की ख्वाब के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उर्दू के लिए, मैथिली के लिए, हिंदी के लिए जो दिया गया है ना, बिहार के ही रहने वाले हैं। तो बिहार के किन्हें उर्दू उपन्यास अमावस की ख्वाब के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हुसैन उल हक को दिया गया है। हुसैन उल हक ये बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। तो फिर से रिवीजन करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया है, जो कि कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला है। टोकरी में दिगंत गाथा के लिए, उसकी थेरी गाथा के लिए। फिर है मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को दिया गया है, जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं। और फिर उर्दू भाषा के लिए दिया गया है हुसैन उल हक को, ये बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। और इनके उपन्यास के लिए दिया गया है अमावस की ख्वाब, अमावस की ख्वाब के लिए। अब है बिहार राज्य की कितने पंचायतों को बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ये 12। तो बिहार राज्य के कितने पंचायतों को बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 12 पंचायतों को चयनित किया गया है। नालंदा के श्वेत यानी सिलाव, दरभंगा, समस्तीपुर। तो कौन कौन सा है? नालंदा है, दरभंगा है, समस्तीपुर, गया, ऐसे इन इन सभी को लेकर के 12 पंचायतों को शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है कि कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, 12। बिहार के किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बगाड़ी को। तो बगाड़ी ग्राम पंचायत सीतामढ़ी के शुरसंड में स्थित है, मतलब ये जो बगाड़ी गांव है सीतामढ़ी में स्थित है, और इसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ग्राम पंचायत सीतामढ़ी का है। आगे देखते हैं 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? ये है महेश्वर हजारी जी। बिहार की किस महिला को अमेरिकन जनरल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में स्थान दिया गया है? स्मृति गुप्ता को दिया गया है, स्मृति गुप्ता। स्मृति गुप्ता दरभंगा की एक शिक्षिका हैं, और इन्हें ना अमेरिकन जनरल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में स्थान दिया गया है। बिहार की रहने वाली है दरभंगा की स्मृति गुप्ता। बिहार के किसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रो रेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये राज्यवर्धन आजाद को किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क बनेगा? तो ये मुजफ्फरपुर में बनेगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क बनेगा? मुजफ्फरपुर में। ईज ऑफ डूइंग के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कितने रुपये का पैकेज दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग के तहत ये दिया गया है 6528 करोड़ रुपये का, 6528 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है ईज ऑफ डूइंग के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को। नई श्रम कानून के अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में काम करना होगा 48 घंटा। तो नई जो श्रम कानून आया है ना बिहार का, उसके अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में कार्य करना होगा 48 घंटा, ठीक है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? IIT रुड़की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि चकबंदी के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है चक बिहार, और इसे किसने विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने किया है, चकबंदी के लिए किया गया है। भूमि सुधार का एक पार्ट है ये चकबंदी। बिहार के छपरा में रहने वाले किस व्यक्ति को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। तो बिहार के छपरा जिले के रहने वाले व्यक्ति हैं ये, इन्हें पुरुष मतलब अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। बिहार राज्य के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने क्या किया है ना कि
बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जाएगी? ये किया जाएगा पटना में। उत्तर भारत का पहला है ये। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायो डीजल रिफाइनरी? तो उत्तर भारत में अभी तक कोई भी स्थापित नहीं किया गया था बायो डीजल रिफाइनरी, ये अपने पटना में किया जाएगा और बिहार का पहला होगा, उत्तर भारत का भी पहला होगा। सृजन केयर द्वारा मसौढ़ी पटना में स्थापित किया जाएगा। ये अगर पटना में भी अगर जगह पूछे कौन सा, तो ये मसौढ़ी में किया जाएगा। बिहार की किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि बिहार के किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड दिया गया है? सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों के उद्योगों को विकसित करने के लिए लागू कर दिया गया है? पश्चिमी चंपारण। मतलब क्या है ना कि पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया मॉडल है उसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा, ठीक है। स्पेशली पश्चिमी चंपारण का ये मॉडल था चनपटिया मॉडल, अब इसे बिहार के 38 जिले में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार किस अनाज की खरीद की व्यवस्था की है? ये किया है मसूर और चना। आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, मसूर भी और चना भी। नेपाल के अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी भारत के सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया है। इसमें तैयार पनबिजली बिहार के किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करेगी? सीतामढ़ी से। तो नेपाल अरुणा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच में अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट ये, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है इसे, ठीक है। तो नेपाल के अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के बीच में है, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है, और बिहार के किस जिले से होकर भारत प्रवेश करेगा? तो ये सीतामढ़ी। बिहार के किस जिला में गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा? पूर्णिया में। तो बिहार के किस जिला में गांधी जी के थीम पर खादी मॉल बनाया जाएगा? पूर्णिया में बनाया जाएगा। वैसे तो पटना में बन चुका है ना देश का पहला खादी मॉल, पूर्णिया में अब बनाया जाएगा। अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान मिला था? ये 29वां मिला था। और एक IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में पटना को 32वां स्थान मिला था, ठीक है, 32वां मिला था उसमें, और इसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 29वां स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग की बात करें ना, तो बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक मिला था, और छोटे राज्यों में शिमला को मिला था फर्स्ट रैंक। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है स्मार्ट सिटी रैंकिंग। अब देखते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं होती है? तो साइबर क्राइम की जो घटनाएं देश की राज्य की राजधानी पटना में ही सबसे ज़्यादा होती है, नेशनल साइबर क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार है। बिहार के किस जिला में 4300 करोड़ रुपये की लागत से सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा? कटिहार में सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के किस जिला में सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा? ये कटिहार में स्थापित किया जाएगा। इसका लागत क्या होगा? तो इसका जो लागत होगा 4300 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये है कुर्था पुलिस स्टेशन। कुर्था पुलिस स्टेशन बिहार के अरवल जिले में है, और इसको पूरे भारत में 10वां रैंक मिला है, ठीक है। सदर बाजार जो दिल्ली है ना, उसे फर्स्ट रैंक मिला है पूरे भारत में। गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है ये कि पुलिस स्टेशन, मतलब गृह मंत्रालय क्या करती है ना कि देश के अंदर जितने भी 10 टॉप 10 वाले सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उनका रैंकिंग जारी करती है। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे आया था दिल्ली का सदर बाजार का पुलिस स्टेशन, और बिहार का एक स्टेशन इसमें शामिल था जो भारत में 10वें नंबर पे था और बिहार में पहले नंबर पे था। तो ये जो नवनिर्मित जिला है ना अरवल, उसी का एक कुर्था पुलिस स्टेशन था। इसका आंसर हो जाएगा कुर्था पुलिस स्टेशन, पर ये भारत स्तर पे 10वें रैंक पे था,
टेंथ रैंक में, और बिहार में इसका रैंक फर्स्ट था, और एक ही आया है इस रैंक में, बिहार का एकमात्र है कुर्था पुलिस स्टेशन। बिहार के किस जिला में उच्च स्तर की मैग्नीशियन चट्टान की खोज की गई है? औरंगाबाद में। ठीक है, तो बिहार के किस जिला में उच्च स्तर की मैग्नीशियन चट्टान की खोज की गई है? तो ये किया गया है औरंगाबाद में। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ खनिज के बारे में, बिहार में किस प्रकार से खनिज का वितरण है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। और ये जो बिहार का करंट अफेयर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा बीपीएससी में। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अभी आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं की आगे का। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।